अजय देवगन तैयार है रीमेक का फावड़ा हाथ में लेके बॉक्स ऑफिस में इस मूवी को जमाने के लिए। जीतू जोसेफ की ओरिजिनल मलयालम मूवी सीम्स टू बी बेस्ड ऑन जापानीज बुक द डिवोशन ऑफ एक्स। अब ये बता पाना मुश्किल है कि जीतू जोसेफ जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बुक से इंस्पायर होकर इस मूवी को कॉपी किया या ये महज एक इत्तफाक है। खैर बात कोई भी हो, जब ये 2013 में मूवी आई उसके बाद इस मूवी का 6 लैंग्वेज में रीमेक बना। तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, हिंदी, सिंहोला लैंग्वेज में, श्रीलंका में भी इसका रीमेक बना। इसके साथ ही दृश्यम इंडिया की पहली ऐसी फिल्म बन गई थी जिसका रीमेक चाइना में बनाया गया। चाइना में इस फिल्म को शीप विदाउट अ शेफर्ड नाम से रिलीज किया गया था। सारी मूवीज में स्टोरी लाइन सेम है पर इसका कोर बैकग्राउंड डिफर करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका लीड रोल एक्टर का प्रोजेक्शन, उसे कैसे दिखाया जाता है। सारे रीमेक में सबका नेचर ऑफ कैरेक्टर अलग अलग है, बेस्ड ऑन कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, कोई जिद्दी है, कोई चालाक, घमंडी, रोमांटिक, इमोशनल, फनी। इन सब रीमेक्स के कैरेक्टर की तुलना की जाए अजय देवगन के कैरेक्टर से तो ये सबसे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि अगर आप पार्ट वन में देखोगे तो वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं दिखते हैं, पर ही इज अ स्ट्रीट स्मार्ट, रियल लाइफ अच्छे से समझता है। फिर इसके बाद स्क्रीन प्ले, पेसिंग एंड नरेशन अहम रोल प्ले करते हैं इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने में। वही हिंदी रीमेक वाली दृश्यम फास्ट पेस स्टोरी के साथ पीछे होती दिखाई देती है और थोड़ा कॉमेडी टच मिसिंग होता है कंपेयर टू अदर रीमेक्स ऑफ दृश्यम। फाइनली बैकग्राउंड और जो शहर मूवी में दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा डिफर करता है इन सारी मूवीज में, क्योंकि ये टारगेट ऑडियंस के अनुरूप बनाया गया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मलयालम मूवी के मेन एक्टर एंड सपोर्ट स्टार कास्ट के साथ एक अच्छा जस्टिफिकेशन दिया है जिसमें लॉजिक है और अच्छे से हर सीन के साथ बताया गया है मर्डर केस को। वन ऑफ द बेस्ट मूवी विदाउट एनी फ्लॉज। वहीं हिंदी दृश्यम की बात करें तो इसने भी बहुत हद तक अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं कहीं फाइनल पंच मिस हुआ है टैगलाइन को जस्टिफाई करने में। मलयालम में बनी ओरिजिनल दृश्यम के बारे में बात करते हुए इसका हिंदी संस्करण कैसे अलग होगा, इस पर अजय देवगन ने ये कहा है, ये फिल्म ओरिजिनल से बहुत अलग है और आपके पास ओरिजिनल में अक्षय खन्ना का चरित्र नहीं है। सो अजय देवगन के इस स्टेटमेंट से तो बिल्कुल भी ये क्लियर हो चुका है कि इस मूवी में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। क्लाइमेक्स में स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, सिर्फ एक कैरेक्टर अक्षय खन्ना जो इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं वो इस मूवी को अलग बनाते हैं ओरिजिनल दृश्यम से। जाहिर सी बात है अक्षय खन्ना जैसे सुपर्ब एक्टर जो कि इस तरह के रोल में बिल्कुल परफेक्टली फिट होते हैं, इस मूवी का ये एक एज पॉइंट है। अब बात आती है इस मूवी को सिनेमा हॉल में जाके देखने लायक ये मूवी है कि नहीं। डेफिनेटली ये मूवी सिनेमा हॉल में जाके आप देख सकते हो, बसरते अगर आपने मलयालम दृश्यम को फॉलो करते आप आए हो, पार्ट वन एंड पार्ट टू आपने देखी है तो आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। और वो ऑडियंस जिन्होंने अभी तक ओरिजिनल मलयालम मूवी दृश्यम नहीं देखी है उनके लिए ये मूवी पीस ऑफ केक है। आंख मूंदकर बिना कुछ बोले आप इस मूवी को जाके देख सकते हो, पूरी तरह से ये पैसा वसूल मूवी होगी आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, टिल देन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।